ओके सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल शैलेंद्र। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं IRCTC के न्यू अपडेट को लेकर। तो दोस्तों आप लोगों को एक सवाल जरूर होगा, रेलवे कब से सारे पैसेंजर ट्रेन चलाने वाले हैं, तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों रेलवे की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट आया है जिसमें बताया गया है, रेल मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि रेलवे 1 अप्रैल से सभी रूट पर पैसेंजर ट्रेन चलाने का योजना बना रही है। देश में कोरोना का कहर धीरे धीरे कम हो रहा है, योजना सामने आने वाले मामलों में भी लगातार कमी देखी जा रही है। कई ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां से कोरोना से मौत की खबर नहीं है। कोरोना का कहर कम होने के बाद सभी गतिविधियों धीरे धीरे सामान्य हो रही है। इसी बीच रेल मुसाफिर के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। रेल मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार 1 अप्रैल से सभी पैसेंजर ट्रेन पटरी पर दौड़ने लगेगी। सूत्रों के मुताबिक अगले महीने होने वाले होली त्यौहार, डिमांड और मौजूदा नियंत्रित कोविड स्थिति को देखते हुए रेलवे 100% ट्रेनों का संचालन की तैयारी कर रहा है। हालांकि रेलवे की कई तैयारी PMO के अंतिम झंडे से मिलने का इंतजार है। मालूम हो कि रेलवे फिलहाल में 65% ट्रेन मेल और एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन कर रहा है। इसके साथ साथ लगभग सभी मेट्रो ट्रेन भी ट्रैक पर लौट आई है। मालूम हो कि रेलवे ने कोविड-19 महामारी के बाद देश में स्थायी लॉकडाउन को देखते हुए 22 मार्च से सभी रेगुलर पैसेंजर ट्रेन सेवा लोक लगा रखी है। हालांकि त्योहारी सीजन में रेलवे ने कई ट्रेन का संचालन किया था, अभी भी लगभग सभी रूट में रेगुलर ट्रेनों की जगह स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा सकता है। इस समय 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन पटरी पर दौड़ रही है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।